इंदौर में नगर निगम चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कुछ ही घंटों में हो जाएगा। ईवीएम में बंद मतों की गिनती के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्टेडियम में मतगणना स्थल पर सिर्फ अधिकृत पासधारियों को ही प्रवेश मिलेगा। वहीं मोबाइल और कैमरे के अलावा अवांछनीय सामग्री ले जाना भी प्रतिबंधित होगा। इंदौर में मतगणना के लिए रविवार सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सुबह 9 बजे डाक मतपत्र की गिनती होगी, जबकि 9:30 बजे से ईवीएम मशीन में बंद मतों की गिनती प्रारंभ की जाएगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम परिसर में पूरी तरह से बैरिकेडिंग की जाएगी। गणना करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को मैदान की ओर से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि राजनीतिक दलों के अभिकर्ताओं को मुख्य द्वार से प्रवेश दिया जाएगा। अपर कलेक्टर व निर्वाचन नोडल अधिकारी डॉक्टर अभय बेडेकर ने जानकारी दी कि मतगणना स्थल पर कैमरे, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अलावा अवांछनीय सामग्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। प्रवेश द्वार पर चेकिंग के बाद ही अभिकर्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा। आम जनता के लिए प्रतिबंधित किया गया है और यहाँ पर सिर्फ पास के थ्रू एंट्री है, और जो नेहरू स्टेडियम का पीछे वाला भाग है वहाँ से कर्मचारियों अधिकारियों की एंट्री होगी, और सामने वाले भाग से गणना अभिकर्ता जो कि प्रत्याशियों के अभिकर्ता होंगे उनकी एंट्री होगी। यहाँ पर 6 AR के हिसाब से हॉल बनाए गए हैं और 6 हॉल्स में गणना अभिकर्ताओं की एंट्री होगी, जो कि एक कटघरा जैसा बनाया गया है, वो उनके इस तरफ अभिकर्ता रहेंगे और अंदर साइड टेबल्स रहेंगे जिसमें कि हमारे गणना सहायक और गणना सुपरवाइज़र बैठकर गिनती करेंगे, वहीं ARO भी बैठेंगे। तो इस प्रकार कुल हमने 160 टेबलें लगाई हैं, जिसमें कि महापौर और पार्षद पद के लिए जो EDB की गणना हो रही है वो टेबलें भी हैं, और टोटल 97 टेबलें हैं जिन पर कि मतगणना होगी EVM मशीन से। हमारे 85 वार्ड हैं और उसमें 12 वार्ड ऐसे हैं जिन वार्डों में मतदान के बूथ जो हैं वो 32 से ज़्यादा हैं, क्योंकि मतगणना के राउंड 32 होंगे, तो अगर किसी वार्ड में 32 से ज़्यादा बूथ हैं तो उसके एक एडिशनल टेबल लगाई गई है, जिससे कि मतगणना 32 राउंड से ज़्यादा किसी भी हालत में ना खींच सके। अब जैसा अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये प्रेस का लाउंज है, प्रेस के लिए एक और व्यवस्था हमने बाहर बनाई है, जिसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के बंधु हैं वो वहाँ खड़े होकर लोगों की बाइट ले सकते हैं, प्रत्याशियों की बाइट ले सकते हैं। उसके अलावा हमने बाहर जो व्यवस्था बनाई है कि पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे कि जिस आदमी को जिस हॉल में जैसे जिस रास्ते से जाना उसी रास्ते से जा सके। मोबाइल हॉल के अंदर पूरी तरह से प्रतिबंधित है और परिसर में भी प्रतिबंधित है। सिर्फ कल ही माननीय आयोग ने हमारे प्रेस के बंधुओं के लिए मोबाइल की अनुमति दी है, लेकिन वो भी प्रेस लाउंज तक सीमित रहेगी। जहां पर मतगणना हो रही है वहां किसी भी स्थिति में मोबाइल अलाउ नहीं किया जाएगा। सर, अंदर देखिए जो आयोग के नियम हैं स्पष्ट हैं कि कैमरा, मोबाइल, नशे की वस्तुएं या और भी किसी तरह की कोई भी वस्तु जो कि अवांछनीय हो वो वहाँ पर प्रतिबंधित रहेगी। भोजन का जहाँ तक है, चूँकि गणना अभिकर्ता सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहेंगे, तो उसके लिए जो उनको बीच में नाश्ते वगैरह की ज़रूरत होगी वो उनको जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें बताया गया था कि वो अपने अपने ARO से एक या दो व्यक्तियों के लिए पास बनवाकर उसकी अनुमति ले लेंगे, जिससे कि वो समय समय पर उनके लिए खाना। डॉक्टर अभय बेडेकर ने जानकारी दी कि मतगणना परिसर में मीडिया कर्मियों को मोबाइल ले जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन वो एक निश्चित स्थान के आगे मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।